हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि घर के लिए हमें कितने एचपी की जो समर्सिबल है वो लेनी चाहिए। जैसे कि 1 एचपी हो गई, 1.5 एचपी हो गई, 2 एचपी हो गई या फिर 3 एचपी हो गई। हमें कितने एचपी की मोटर लेनी चाहिए और कितने स्टेज में लेनी चाहिए, तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जैसे दोस्तों, आप जानते हैं कि आजकल चाहे गांव या शहर है, तो वहाँ पर जो अपना पर्सनल बोर है वो लगवाना पसंद करते हैं। इसके पीछे कारण ये होता है दोस्तों कि जो नल है, नल के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ता है और हम अपना पर्सनल जो बोर है वो करवाते हैं। खाने मतलब दोस्तों, अधिकांश घरों के अंदर आपको जो पर्सनल बोर है वो देखने को मिल जाएगा, और गांव के अंदर भी देखने को मिलेगा और शहरों के अंदर भी ये देखने को मिल जाएगा। ऐसे में दोस्तों, बात आती है कि हमें कितने एचपी की मोटर है और कितने स्टेज में जो मोटर है वो लेनी चाहिए। तो जैसे दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर आपका जो परिवार है वो छोटा है, तो आप वहाँ पर 1 एचपी की मोटर ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों, अगर गहराई के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका वाटर लेवल है वहाँ पर कितना है, उसी हिसाब से आप मोटर का चुनाव करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका जो परिवार थोड़ा बड़ा है, तो वहाँ पर आप और घर के अंदर थोड़ा मतलब पानी की ज़्यादा आवश्यकता है, तो आप 1.5 एचपी की मोटर लगा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर जो आपका घर है वहाँ पर लॉन वगैरह है, यानी कि कोई छोटा मोटा बगीचा है, तो वहाँ पर आप 2 एचपी की मोटर ले सकते हैं। यहाँ पर भी जाहिर सी बात है दोस्तों, आपको जो वाटर लेवल है उसी के अनुसार आपको जो स्टेज है उसका चुनाव करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, आजकल खेतों गांव के अंदर जो खेत है वहाँ पर घर बना लिए जाते हैं, और वहाँ पर दोस्तों जाहिर सी बात है पानी की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में दोस्तों बोर तो होना लाजमी है। तो वहाँ पर दोस्तों आप 3 एचपी की मोटर ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो पानी की ज़रूरत है, उसके अलावा आप वहाँ पर खेती बाड़ी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 एचपी की मोटर लगाना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर भी जो जाहिर सी बात है, अगर आपका जो वाटर लेवल है उसी के अनुसार आपको जो मोटर है उसका स्टेज का चुनाव करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो दोस्तों, अगर आप 3 एचपी की मोटर ले रहे हैं और आपको अगर 300 फीट पर मोटर को डालना है, तो वहाँ पर आपको कम से कम 15 स्टेज की जो मोटर है वह लेनी पड़ेगी। कहने मतलब दोस्तों, 15 स्टेज का जो पंप है वह लेना पड़ेगा, और 3 एचपी की मोटर लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि जो मोटर है वो किसी अच्छी कंपनी की ही होनी चाहिए, नकल कंपनी के चक्कर में आप कभी ना पड़े, क्योंकि आजकल असेंबल मोटर भी आती है, और आप ओरिजिनल मोटर को देख को लेते समय आपको उसकी अच्छी तरह से पहचान कर लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो डुप्लीकेट भी मोटर मार्केट के अंदर आ रही है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।